वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 69वीं बीपीएससी पीटी का प्रोविजनल आंसर की कल रात जारी कर दिया गया। जब मैं उस आंसर की को मिला रहा था, मैंने जो अपने वीडियो में आंसर बताया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ही आंसर को वो कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है। एक्चुअली सिर्फ दो ही ऐसे आंसर थे जिसका उत्तर बदला ऑफिशियल आंसर की से, बाकी आपको 100% मैच कर गए। और दो क्वेश्चन आपको डिलीट कर दिए गए हैं, एक आपको गया का जो जनसंख्या है वो, और दूसरा जो है आपको जो वेगनार ग्रुप के प्रमुख, क्योंकि वो मर चुके थे इसीलिए वर्तमान में उनका कोई भी हेड नहीं है, इसीलिए उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो इस प्रकार जब मैंने देखा तो मात्र दो ही प्रश्नों के उत्तर जब बतलाएं तो मुझे बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ इस प्रकार से कि चलिए आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपके आंसर से 10 मतलब जो आपका वीडियो है उसे 10 बदल जाएंगे, तो कुछ लोग बोल रहे थे नहीं आपका मतलब एग्जैक्ट सेम है। तो मेरा यही कहना है कि मैंने जो आपको बताया था कि 99% आपका सही रहेगा, लगभग वही रहा, और ये अच्छा लगा हमको देख करके आपके लिए जो मेहनत करते हैं और आप लोग जो अपना विश्वास जगाते हैं वो हम लोग उस पर अप टू द मार्क खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। तो ऑफिशियल आंसर किसे आप लोगों ने अपना मिला लिया होगा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो 9 से लेकर 11 तारीख के बीच में ऑनलाइन अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं साक्ष्य के साथ। 11 तारीख तक यदि किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं आता है तो उसको सर्वमान्य उत्तर मान लिया जाएगा। अच्छा, मेरा मानना है जो इस बार उत्तर आया है लगभग सही ही है, ठीक है ना। उन्होंने दो क्वेश्चन को डिलीट खुद से कर लिया है, तो अब नहीं लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव आएगा। फिर भी देखने वाली है कि 11 तारीख तक किस किस प्रश्नों पर आपत्ति आता है। अब आ जाती है कि कट ऑफ क्या होने वाला है। देखिए, मेरी वीडियो से जिन्होंने मतलब अपना आंसर मिलाया होगा लगभग उनका वही रहा होगा, एक दो इधर उधर हुआ होगा, ठीक है ना। मैं अभी भी मानता हूँ कि जो मेजोरिटी गिर रहा है वो 80 और 85 के बीच में गिर रहा है, नहीं उससे पहले गिर, 75 और 80 के बीच में गिर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपको कट ऑफ नहीं रहेगा, कट ऑफ जो रहेगा 80 से 85 के बीच में रहेगा। और मैंने अपने वीडियो में भी कट ऑफ वाले में बताया था कि 80 से 85 एक प्रोबेबल बनता है। अब उसी में आप अपर लिमिट में एक या डेढ़ या दो मान सकते हैं, 80 से कम नहीं जाएगा कट ऑफ जैसा मेरा भी अपना मानना है, और बाकी 85 से ज़्यादा नहीं जाएगा, इसी के बीच में फॉल करेगा। बाकी मैं इस पर बहुत ज़्यादा भी बोलूँगा नहीं क्योंकि मैंने डिटेल से कट ऑफ का वीडियो बना दिया, उसको आप देख लीजिए, उसमें प्लस वन या डेढ़ जो है प्लस माइनस करके आप रख सकते हैं। एक चीज़ और बनता है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं, तो क्या उसके जो कैंडिडेट होंगे उसका कट ऑफ अलग आएगा, वो देखने वाली बात होगी। इसीलिए थोड़ा सा अभी आपको वेट करना पड़ेगा, 15 नवंबर 2023 को इसका रिजल्ट जो है आने की संभावना है। अब इस बीच में आप लोग करिएगा क्या, देखिए मेरा मानना है कि यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, 80 और 85 के बीच में आप हैं, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। वैसे भी बीपीएससी में पीटी की तैयारी नहीं, मुख्य रूप से मेंस की तैयारी ही होती है। और जहां तक आप 70 की बात कीजिएगा, 70वीं बीपीएससी की बात, तो 70वीं बीपीएससी अभी इस साल तो आने वाला है नहीं, वो आएगा तो अगले साल ही आएगा, फरवरी मार्च या उसके आसपास या उसके बाद ही आएगा, ठीक है ना। तो 80 प्लस वाले जो मेल कैंडिडेट हैं, यदि आपका 85 के तब तो कंफर्म आपका बहुत अच्छा आपका तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उससे प्लस वाले आप तैयारी कीजिए। कट ऑफ का डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, उसमें आप देख लीजिए, हर एक चीज़ को मैंने अलग से वहाँ पे किया है, ठीक है ना। और कट ऑफ भी मैं मानता हूँ कि मैंने अपने वीडियो में बताया था उसी के आसपास रह सकता है। और फिर उसमें मैं फाइनल रूप से बोलूँ तो 2 को लूँगा, मतलब 2 प्लस माइनस लूँगा, उसमें 2 प्लस माइनस लूँगा, जितना मैंने अपने वीडियो में कटअप बताया उससे ज़्यादा आपको नहीं जाने वाला। मैंने बोला कि 80 से 85 से क्रॉस नहीं करेगा कटअप की भी आप मान के चल लीजिए, लेकिन 80-85 में कहाँ पर फॉल करेगा ये देखने वाली बात एक होगी, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और 80 प्लस वाले हर एक लोग मेंस की तैयारी में लग जाए, खासकर जिनका एससी कमजोर है वो देखें, ठीक है। जो प्रॉपर बीपीएससी का ही तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साइड से आप देखते रहिए। यदि आप बिहार एसआई का भी देख रहे हैं या बीएसएससी का भी देख रहे हैं तो ठीक है, उसमें देखने की कोई हर्ज बात नहीं है। और जहाँ तक 70वीं का बात है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये हो गई बात आपको पूरे प्रोसेस की। तो अब कट ऑफ के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िए, इंतजार कीजिए कुछ दिन का, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल वाला भी जो पोस्ट था उसको लेकर भी चीज़ें चल रही हैं, तो देखना पड़ेगा। और हो सकता है तो आपको पहले भी रिजल्ट दे दिया जाए। आपको पता है कि 9 तारीख से 67वीं का इंटरव्यू चालू होने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका 67वीं का इंटरव्यू है और इसका पीटी भी है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली पूरा फोकस इंटरव्यू पर करेंगे क्योंकि वो अब अंतिम मुकाम पर पहुँच चुके हैं। और पीटी के बाद मेंस क्लियर करना, फिर पूरे प्रोसेस में जाना, एक लंबा प्रोसेस होता है। तो आप अंतिम मुकाम पर पहले तैयारी करें जो इंटरव्यू है, उसके बाद इस पर लौटिएगा, ठीक है ना।
तो यही कुछ अपडेट था आपको 69वीं बीपीएससी से लेकर के 70वीं बीपीएससी तक के संबंध में। अच्छा, हमको ये लगा कि मैंने जो आपको बताया मतलब कि आंसर लगभग उसी के पैरेलल था, सिर्फ दो को छोड़ करके। अब उम्मीद कीजिए जो कटअप बताया हो उसी के अनुरूप भी आपका कटअप रहे। यदि एक दो चेंज भी होता है, मतलब एक दो नंबर इधर उधर होता है भी, तब भी मैं मानूंगा कि एक परफेक्ट है। तो थैंक यू वेरी मच।